नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आयर शो में। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि चीन है ये एक चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर है, वो है प्रोपेगेंडा फैलाना। आप लोग को मालूम ही होगा कि चीन के सैनिकों ने एक फ़ोटो जो है क्लिप अपनी डाल दी थी, जिसके बाद उन्होंने ये दिखाया कि उन्होंने गलवान वैली में वो खड़े हैं अपने झंडे के साथ में। हालांकि दोस्तों, इनका ये झूठ जो है काफ़ी ज़्यादा देर तक नहीं चला और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की जो भारतीय सेना की जो अपनी इमेज थी उसको इन्होंने जो है अपलोड कर दिया, जिसके बाद जो इनका जो झूठ था वो बेनकाब हो गया, जिसको कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस समय न्यूज़ में यही छाया हुआ है। तो दोस्तों, जिस तस्वीर की वजह से ये प्रोपेगेंडा फैला रहा था चीन, उसको आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय वो आप देख रहे हैं कि पीछे जो भी चट्टाने हैं और जो भी जो सीन है उसमें कहीं भी आपको बर्फ़ देखने को नहीं मिल रही है, जबकि ये सीज़न ऐसा है कि जिसमें बर्फ़ सबसे ज़्यादा इस समय वहाँ पर मौजूद होगी। तो इसी झूठ को बेनकाब करते हुए भारतीय सेना ने अपनी एक फ़ोटो जो है वो डाली, जिसको कि आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जिसमें आप देख सकते हैं कि बर्फ़ जो है वो सीधे आपको मौजूद दिख रही है। जो भी पीछे पहाड़ियां दिख रही हैं, जो भी चट्टानें दिख रही हैं, उन पर आप बर्फ़ को साफ तौर पर देख सकते हैं कि बर्फ़ पड़ी है, जो कि नेचुरल है। इस समय वहाँ पर बर्फ़ का होना नेचुरल है और ना होना ही अननेचुरल था, जिसकी वजह से चीन का जो झूठ है वो पकड़ा गया। और दोस्तों, जिस खबर की वजह से हो रहा था उसकी खबर ये थी कि चीन जो है वो अपनी तरफ पेंगोंग लेक में क्या कर रहा है कि एक ब्रिज का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों, इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आपको खुरनाक फोर्ट दिख रहा है उसके पास से जो लाइन चली आ रही है वो सबसे नैरोएस्ट पॉइंट है पेंगोंग सो लेक का, और वहीं पे चीन जो है वो बना रहा है। और दोस्तों, ये जो एरिया है ये चीन के अंडर में ही आता है, मतलब LAC की उसकी जो लाइन है उसके अंडर में ही है। तो चीन कहीं भी पेंगोंग सो में भारत के इलाके में नहीं बना रहा है, वो अपने इलाके में ब्रिज बना रहा है ताकि वो पेंगोंग सो से साउथ में जा सके, जल्दी से उसकी पहुँच हो सके। क्योंकि आपको मालूम होगा कि पेंगोंग सो के जो साउथ था वहाँ पे भारत ने चीन के रिटेलिएशन में वहाँ के जो काला टॉप हो गई, टाइगर हिल हो गई, वहाँ के जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक जो लोकेशंस थी उन पे कब्ज़ा कर लिया था, जिनकी वजह से चीन जो है वो बौखला गया था। और कारण यही था कि चीन इसी वजह से जो है अब कहीं ना कहीं गलवान वैली में हो जा रहा है कि उसकी जो पहुँच हो वो पेंगोंग सो के साउथ तक वो बहुत तेज़ हो सके, क्योंकि भारत ने साउथ में जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहाँ पे भारतीय सेना ने कब्ज़ा करके इस समय मौजूद है। और यही चीन को जो है बेचैन कर रहा है, क्योंकि चीन ने कभी ये नहीं सोचा था कि भारतीय सेना इस तरीके से रिटेलिएट करेगी या भारत सरकार इस तरीके से रिटेलिएट करेगी, जिसकी वजह से वो ब्रिज का निर्माण कर रहा। लेकिन अब इसको आप कहिए ये एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं दुख की बात है, या कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक विचित्र सी बात है कि जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो भारतीय मीडिया हो गया या देश के जो कुछ नेता हैं वो उस चीज़ को लेके इस तरीके से प्रचारित करते हैं कि जैसे लगता है कि चीन आपके यहाँ देश के अंदर ही खड़ा है, जबकि एज अ कंट्री के रूप में, एज अ सिटीज़न के रूप में अगर हमने आपको देखें तो हम लोग को एक यूनाइटेड रहना चाहिए और कभी भी चीन के इस तरीके के प्रोपेगेंडा में नहीं आना चाहिए। जबकि हम लोग जानते हैं कि चीन इस तरीके का प्रोपेगेंडा करता ही रहता है, चाहे वो गलवान वैली में ये दिखाना हो कि उसके 3 सैनिक मारे गए हो, 4 सैनिक मारे गए हो, चाहे ये दिखाना हो कि भारतीय सैनिक कितने वीक हैं, लेकिन हर बार उसके झूठ को जो है बेनकाब किया जाता है भारत के द्वारा, और इस तरीके से भारतीय सेना भी लगातार उसको बेनकाब करती रहती है। लेकिन दुख की बात यही है कि इसमें कहीं ना कहीं जो हम भारतीय हैं, जिन भारतीयों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो देश के साथ एकत्रित होकर खड़े रहें, झूठ को बेनकाब करें, हम कहीं ना कहीं चीन के ही जाल में फंस के चीन जो करना चाहता है उसी जाल में चलते हैं। और इसमें हमारे जो पॉलिटिशियंस भी होते हैं कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। तो इसलिए हम लोग को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि चीन दोस्तों मान के चलिए उसके पास इस तरीके कोई ताकत नहीं है कि वो भारत को हरा सके, क्योंकि चीन ने ना कोई अभी तक कोई युद्ध लड़ा है 1962 के बाद से, और ना ही कोई ऐसा कोई युद्ध लड़ा है जिसको जीत सका है। कुल मिला के उसको कुछ अगर आता है तो प्रोपेगेंडा वॉर चलाना, अपने वो जो उसका माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, उसके ज़रिए उसको ग्लोबल वॉर का एक अपना से दिखाना रहता है कि वो किस तरीके से वॉर कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले उसने खबर दिखाई थी कि गलवान में उसका प्लेन आया और आके चला गया, बॉम्बर आया था आके चला गया, तो इस तरीके की खबरें वो दिखाता रहता है। ज़रूरत इस बात की होती है कि चाहे पॉलिटिशियंस रहें, चाहे मीडिया हाउसेज रहें, या कोई एक सिटीज़न रहे, उसको भारत के सैनिकों पर भरोसा होना चाहिए, और जिस तरीके से भारतीय सेना ने जवाब दिया है उस पर हमें गर्व महसूस होना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें उस बात को ही मन में रखते हुए अपनी सरकार के ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए। बाकी दोस्तों, इस पूरे इशू पर आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।